48 मिनट में भगवत प्राप्ति की, तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष है। आज लोगों के पास वक्त नहीं, कम वक्त हो गए हैं, थोड़ी सी जिंदगी है। लघु जीवन संवत पंचदशा, और थोड़ी सी जिंदगी में भी निद्रयारिते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा तिनरेन गमाई सोई के और दिवस गमायो खाय हीरा जन्म अमूल था सो कोड़ी बदले जाय सो कोड़ी बदले जाय। कहां कोई बड़ी साधना कर सकते हम। कलिकाल में सबसे बड़ी साधना एक इतन निर्विद्यमाना नाम मिच्छताम कतो भयम योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। यदि तुम चाहते हो तो हरिनाम संकीर्तन की साधना करो। अयम नय मया अधुना निर्णया अयम तो योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। आप लोगों की जल्दी के कारण हमको राजधानी दौड़ानी पड़ रही है। सबसे बड़ा कलयुग के लिए उपाय हरेर नामायव हरेर नामायव हरेर नामायव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हां, भगवान नाम संकीर्तन के साथ साथ यदि भगवान का चिंतन और होवे तो फिर क्या कहना, सोना और सुगंध। एक एक चीज की पूर्ति करने वाले संसार में बहुत देवता मिल जाएंगे, लेकिन हमारा देवता ऐसा है अकाम है सर्व कामो मा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। निष्काम सकाम मोक्ष की कामना, कोई कैसे भी उस परमात्मा के शरण में जाए, लोक परलोक की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लोक लाओ परलोक निभाओ। सृष्टि विषयक जिज्ञासा की है और अब श्री सुखदेव जी को याद आया कि मुझे मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण 13 श्लोकों में किया, 12 श्लोकों में भगवान का स्मरण किया है, 1 श्लोक में अपने गुरुदेव व्यास जी का चिंतन किया है और इसकी चर्चा अब कल सवेरे आप सब लोग कितनी बजे पधारेंगे याद होगा। अरे 8 दिन में से 2 दिन निकल गया मेरे भाई बहन। ये 8 दिन कथा की ना, इस 8 दिन में चारों युग आते। शुरू के 2 दिन पहला दूसरा दिन कलयुग रहता है। ये व्यवस्था नहीं हुई, ये ऐसा गड़बड़ हो गया, ये ऐसा और होना था, ये सामने का गेट बंद करवाओ तो दिक्कत होती, सामने से कथा में इधर से खोलो, ये कुछ व्यवस्था है। ये शुरू के 2 दिन कलयुग रहता है, तो ऐसा संभालो, तुमको ये देखना था तुम ध्यान नहीं दिए, ये कलयुग है। उसके बाद तीसरा और चौथा दिन कल से, कल जो खत्म द्वापर शुरू। अब कथा में कुछ आनंद आने लगेगा क्योंकि अब सारी व्यवस्था अप टू डेट हो गई। पांचवा छठवा दिन फिर सत्रेता युग आता है जब नंदोत्सव और बाल लीला शुरू होती है, फिर त्रेता, लोग डूब जाते कथा में। और उसके बाद सातवां आठवां दिन सतयुगा होता है, फिर लोगों को रोना आता है कि हाँ क्या कथा पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब कैसे मन लगेगा। 8 दिन में चारों युगों का दर्शन आप लोगों को करना है। हमारे विद्वान लोग जानते हैं ज्योतिष में ऐसा होता है, बृहस्पति की महादशा, फिर बृहस्पति दशा में चंद्रमा की अंतरदशा, फिर उसमें भी प्रत्यंतरदशा, ऐसे ऐसे। तो अभी कलयुग है, कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की महादशा और महादशा में ये चारों युगों की अंतरदशा है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको उठा लो, समय तो निकल जाएगा, बातें फिर बाद में याद रह जाएगी। हम ठाकुर से प्रार्थना करें ये जो आप कथा सुन रहे हैं आपके जीवन में क्रांति लावे, और ऐसी क्रांति लावे कि जब भी आपको कहीं भागवत जी की बात कान में पड़े तो आपको याद आवे कि हमने वह कथा सुनी थी। हम गए और कथा का जादू खत्म हो जाए, फिर क्या कथा हुई। हम रहे ना
ये दुनिया रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हो हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि मैं बैठ के कथा नहीं सुनूंगा 8 दिन, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे और काम देखना आता है, रहूंगा पंडाल में लेकिन और काम देख के। तब हमने ठाकुर जी से कहा कि ये आदमी उठना नहीं चाहिए कथा में से, जब इस बार सामने में श्रोता लोग, रसिक श्रोता लोग दिखाई पड़े ना तो बोलने में आनंद आता है। अरे गाय भी दूध देती तो बछड़े को देख के दूध देती है, ऐसे थोड़ी गिरा देती है आंगन में, बछड़ा भी तो होना चाहिए ना सामने में गाय के, तो ना वो दूध देगी। इसलिए दो बार हरि नाम संकीर्तन, फिर कल सवेरे 9 बजे आगे। हम भी यही चाहते हैं, आपने हमारी मन की बात कही माता जी, हम भी चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सफल उतरे। आज सवेरे हमने चर्चा की, उसका यह असर हुआ कि जो हम थोड़े लेट होते थे, ठीक 3 बजे वहां से रवाना हुए, 3:15 बजे यहां गए, लेकिन कल से जो समय वहां रवाने का था यहां पहुंचने का होगा कल से। अरे भाई देखो, जहां आप लोगों को ये था कि 9 बजे टाइम है तो 10 बजे तक, 10:30 तक कथा शुरू होगी, तो कम से कम धीरे 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 मोड़ते मोड़ते थोड़ा मुड़ा ना, कल तक ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। आरती से पहले एक बात और कहें, छोटी सी बात है, आने के बाद में भी स्वागत सम्मान में, अर्थात हमारी भाषा में कह दो फॉर्मेलिटी में, थोड़ा समय कुछ ज्यादा निकलता है, इसको भी थोड़ा छोटा किया जाए।